महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पिछले कई दिनों से एकनाथ शिंदे और उन्होंने घोषित की हुई अलग अलग स्कीम्स को लेकर महाराष्ट्र में काफी चर्चा है, लेकिन उसके साथ साथ सीटों का बंटवारा और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुझे क्या कहते हैं उस पर मेरा भी ध्यान लगा हुआ है। मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुड़ चुके हैं। शिंदे साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ आज तक पर बात कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल, हाल ही में हमने सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था और उसमें दिख रहा है कि आपका जो पर्सनल रेटिंग है वो इस वक्त हाईएस्ट यानी टॉप मोस्ट नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये काफी है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, आपके दर्शकों को भी और आपको भी शुभकामनाएं। रेटिंग की बात करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि हमारी एक टीम वर्क हम कर रहे हैं और हमारे टीम ने जो महायुति सरकार ने, मैं है, मेरे दो डिप्टी सीएम है देवेंद्र जी, अजीत दादा और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसलिए दो साल में जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम किया है ऐसा मुझे लगता है और मुझे उसका समाधान भी है, खुशी भी है, क्योंकि एक तरफ डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का आना है, इन्वेस्टमेंट है और तीसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं। इसके वजह से लाडली बहना योजना और कई योजनाएं जो हमने की और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से किया है, इसलिए और लोगों को जो हमेशा हम लोग साथ मिलते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वर्क करने वाले, फील्ड वर्क काम करने वाले, फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। एक एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में और मुख्यमंत्री सभी लोगों को मिलता है और उससे भी काफ़ी लोगों को राहत भी मिलती है, उनके काम भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, सुनना चाहिए और एक सुनने वाला मुख्यमंत्री और तुरंत एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए जो रेटिंग है आपके माध्यम से मुझे आपने बताई है, अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, ये जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है और ये टीम का एक हमारे काम है, इतने मैं कहूंगा। नहीं, लेकिन क्या फिर आपके नाम पर चुनाव जीतने की तैयारी है? आप ही का चेहरा फेस बना के चुनाव जीतने की तैयारी है महायुति की? मैंने कहा है कि हम टीम वर्क कर रहे हैं, टीम काम कर रहे हैं और महायुति जीतेगी, क्योंकि महायुति ने दो साल में इतना काम किया है कि महाविकास आघाड़ी अगर 2.5 साल का उनका काम बताए, हम 2 साल का काम बताएंगे और जनता के दरबार में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम चालू थे उसको बंद करवाया, उसको ब्रेकर डाल दिया, हमने जैसी सरकार आई तो उस काम को अंजाम दिया, शुरू कर दिए, जैसे मेट्रो है, कोस्टल है, समृद्धि हाईवे है, कार शेड है, कई जो शहरों में आज मेट्रो के काम दिख रहे हैं, मेट्रो 3 का ओपनिंग हो गया, शुरुआत हो गई, लाखों लोग ट्रेवल कर रहे हैं और एक फेज में हम लोग मेट्रो को आगे लेके जा रहे, लोगों को राहत दे रहे और एक तरफ कल्याणकारी योजना जो शुरू की है उसका फायदा है, तो इसलिए हम महायुति के काम के बलबूते पे हम जनता के सामने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि 2.5 साल में जो निगेटिविटी थी उसे हमने पूरे पॉजिटिविटी में बदलाव किया है और जो काम एंटी डेवलपमेंट ऐसा जो चेहरा था उसे हमने पॉजिटिविटी में बदला है, डेवलपमेंट को हमने तवज्जा दिया, डेवलपमेंट को हमने प्राथमिकता दी है, इसलिए लोग इस चुनाव में हमारे महायुति सरकार को फिर से जिताएंगे, थंपिंग मेजोरिटी हमें मिलेगी। लेकिन आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिवसेना के मुख्य नेता भी है और इसीलिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन जब 3 पार्टी का की अलायंस होती है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अहम होता है, क्या आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन से खुश है? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को, आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट आपका काफी अच्छा था लोकसभा चुनाव के वक्त पे, आपके स्ट्राइक रेट के मुकाबले, लोकसभा के स्ट्राइक रेट के मुकाबले असेंबली में भी आपको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, ऐसा आपको लगता है? देखो, हमको कितनी सीटें मिली
बीजेपी को कितनी मिली और एनसीपी को कितनी मिली, इससे ज्यादा मुझे अहम लगता है महायुति को जिताना, महायुति की सीटें लाना, और महायुति जरूर जीतेगी ऐसी हमारी कोशिश है। दो चार सीटें इधर उधर होती है, लेकिन महायुति सरकार को लाना ये अहम मुद्दा और टारगेट हमारा है। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ आपका चेहरा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में भी कई जगह पर बगावत है, लेकिन दूसरी तरफ महायुति में भी कुछ जगह पर बगावत नजर आ रही है। जैसे समीर भुजबल खड़े हो गए आपके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, वहां पर मना करने के बावजूद आपने या बीजेपी ने नवाब मलिक को अजीत पवार ने टिकट दे दिया है, ये भी कई जगह पर दिखाई दे रहा है। इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? ये जो आपसी बगावत कई कई जगह पर दिखाई देगी, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? अभी तो बगावत जहाँ है वो दो तीन दिन और बाकी है। निश्चित रूप से वहाँ पर तीनों पार्टियां हमारी समन्वय से बैठकर रास्ता निकालेगी। नहीं, लेकिन इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे नवाब मलिक हो, ये वो खड़े हो रहे हैं अजीत पवार के टिकट पर, आपने भी नवाब मलिक जहाँ खड़े हैं वहां तो कैंडिडेट हमारा लड़ रहे, कैंडिडेट लड़ेगा वहां पर। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शिवसेना यूबीटी के खिलाफ 47 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। लोकसभा में आप और उनका मुकाबला हुआ था करीब 13 सीटों पर, जिसमें से 7 सीटें आप जीते थे, यानी एक सीट ज्यादा आप जीते थे। इस बार आपको कितनी उम्मीद है जहां पर आपका सीधा मुकाबला शिवसेना यूबीटी के साथ हो रहा है? बिल्कुल 47 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी शिवसेना जीतेगी, महायुति जीतेगी, क्योंकि ये तो प्रूव हुआ है लोकसभा में कि उनका स्ट्राइक रेट हमारा स्ट्राइक रेट, उनका वोट शेयर हमारा वोट शेयर। अब जो उनको वोट मिले हैं वो कांग्रेस की वोट बैंक है, बाकी तो उसका बेस वोटर जो है हमारे पास आया है और धनुषबान के पास आया है, और धनुषबान और महायुति ने जो किए हुए काम और उनकी निगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी, ये निश्चित रूप से इस चुनाव में दिखेगी और 47 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे। एक आखिरी दो सवाल है मेरे। एक, हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगह पर बीजेपी कह रही है कि आपको एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। आपने शिवडी में एमएनएस के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, लेकिन वो कह रहे हैं माहिम में भी आपको सपोर्ट कर देना चाहिए, अमित ठाकरे वहां पर खड़े हैं। बीजेपी ने खुला कह दिया है कि हम अमित ठाकरे को सपोर्ट कर देंगे करके, ऐसा किस तरीके से देखते हैं उसको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने कुछ भी कहा नहीं है, ये करो वो मत करो। ये हमने ही सीवड़ी में जो हमारी सीट है वहां पर कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। यहाँ पर माहिम में जो सीटिंग एमएलए है वो खड़ा है, और मैं ये भी कहूंगा कि जब कुछ पहले बात होती तो निश्चित रूप से ये करते हम लोग। अभी भी जो सिटिंग एमएलए सदा सरवनकर है उनको भी मैंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं देख लो लोकल लेवल पे, तो वो भी हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत, क्योंकि कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी खड़ी रहती है, और कुछ बातें समय पे होनी चाहिए थी और ये समय पे नहीं होता है तो ऐसी बातें खड़ी हो जाती है। लेकिन कार्यकर्ता को प्राथमिकता हर पार्टी ने देनी चाहिए, हर नेता ने देनी चाहिए। आखिर में सर, कार्यकर्ता फर्स्ट, ऐसा जो मानना मेरा है।